किसान बागवानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी खेती और बागवानों की लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। बुशहर किसान बागान संघ के सौजन्य से रामपुर के बद्रास में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर के अलावा ननखड़ी और आसपास के इलाकों से आए बागवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बागवानी विभाग के विशेषज्ञों ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम संगन बागवानी की विस्तार से जानकारी दी। मैनेजमेंट समूह कैसे गठित करना, कौन कौन सी गतिविधियाँ इसके माध्यम से की जानी है, जानकारी दी जा रही है। इस दौरान ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की भी नवीनतम जानकारी दी। शिविर के दौरान बागवानों ने वर्तमान में सेब मंडियों में बागवानों को आ रही समस्याओं को भी सामने रखा और कहा सेब आढ़ती और लदानी बागवानों का शोषण कर रहे हैं, सेब की दरें सही नहीं मिल रही हैं, सेब ढुलाई के भी मनमाने दाम बागवानों से वसूल ले जा रहे हैं। जेएल हुन बागवानी विशेषज्ञ ने बताया कि संगन बागवानी कार्यक्रम के तहत बागवानों को साइंटिफिक अर्जेंट मैनेजमेंट इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैसे समूहों का गठन होना है और कौन सी गतिविधियां चलाई जानी है उसके बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत रूट स्टॉक में भी बढ़िया पौधारोपण व पुराने सेब बागों से कैसे पैदावार बढ़ाया जा सकता है जानकारियां दी। बुशहर किसान बागवान विकास संघ अध्यक्ष ब्रिजलाल ने बताया कि बागवानों को नवीनतम जानकारियां देने और वर्तमान में सेब बागवानों को आ रही समस्याओं को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सेब मंडियों में बागवानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, सारा सेब एक दर से नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह वाहन चालक भी प्रशासन द्वारा तय दरों से हटकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं, सरकार इस दिशा में सही कदम उठाए। सोलन में 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देशभक्ति का जज्बा युवाओं में देखते ही बनता है। युवा स्वतंत्रता दिवस की परेड का हिस्सा बनकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। पहला मौका है जब पूरा देश एक साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यही वजह है कि युवाओं में भी इस दिवस को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार परेड में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट और स्कूलों की टुकड़ियों तो परेड का प्रदर्शन करेंगी, साथ में ही इको क्लब भी परेड का हिस्सा होगा। युवाओं ने इस मौके पर कहा कि वे पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर परेड का हिस्सा ले रहे हैं, जिसके चलते वे भारी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गान की धुन सुनते ही उनमें भारी जोश बढ़ जाता है और देश के प्रति और भी सम्मान बढ़ जाता है। उन्होंने उन जवानों का धन्यवाद दिया जो स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को स्वतंत्रता कई वर्षों के संघर्ष के बाद मिली थी, जिसमें अपने नाम को बताए बगैर हजारों आजादी चाहने वाले मतवाले देश के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि आज धारा 370 देश के प्रधानमंत्री ने हटाई है, जिसके चलते आज समूचा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहा है और एक साथ मनाने जा रहा है, जो बेहद खुशी की बात है और हमें अपने देश पर नाज है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता शांता कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में निवेशक उद्योगपति दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उनकी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं होती, लेकिन जब जयराम सरकार में निवेशकों के पक्ष में नीति बनाई गई है, जिसमें निवेशकों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी सभी औपचारिकताएं सरकार 6 माह के भीतर पूरी कर उन्हें प्रदान करेगी, जिससे उन्हें उम्मीदें हैं कि जल्द ही हिमाचल में निवेशकों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चंबा को स्विट्जरलैंड बनाना उनका सपना था, वह भी पूरा होता अब उन्हें दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हिमाचल की राजनीति में सहयोग की परंपरा थी, पक्ष विपक्ष प्रदेश को विकास की चिंता करते थे, लेकिन अब केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मूल्यों पर आधारित राजनीति होती थी, लेकिन अब वह सब बातें गौण हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब वह राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और राजनीति में केवल गेस्ट आर्टिस्ट की भूमिका निभा रहा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि बेशक देश में कांग्रेस को 18 प्रदेशों में हराकर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन इस विजय से लोकतंत्र कमजोर हुआ है, विपक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार ने कांग्रेस को एक सुनहरी मौका दिया था कि कांग्रेस परिवार की गुलामी से बाहर निकल सकती थी और करण सिंह और प्रवण मुखर्जी जैसे नेताओं का मार्गदर्शन उन्हें मिल सकता था, लेकिन ये मौका भी कांग्रेस चूक गई। भ्रष्टाचार पर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत नीचे तक फैल चुकी हैं, जिन्हें जनता के सहयोग के बिना नहीं उखाड़ा जा सकता। उन्होंने अवैध निर्माणों को लेकर
जिन अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान अवैध निर्माण हिमाचल में हुए हैं उनके खिलाफ प्रदेश सरकार को सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी में दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ डीएवी सभागार में हुआ। कार्यशाला में डीएवी जोन के 10 स्कूलों के एलकेजी से दूसरी कक्षा के 97 अध्यापक अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। कार्यशाला में स्कूलों से आए हुए अध्यापकों ने विभिन्न विषयों पर नई तकनीक और छोटे बच्चों की शिक्षा को सरल तकनीक से समझाने पर अपने विचार साझा किए ताकि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सके। स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन डीएबी संस्था द्वारा हर वर्ष किया जाता है ताकि अध्यापक अपने अनुभवों को साझा कर शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में कार्यशाला का आयोजन एचपी जोन डी के एआरओ बी के यादव के दिशा निर्देश में किया गया है। इस अवसर पर डीएबी देहरा के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा व डीएबी बनखंडी की प्रधानाचार्य एकता अत्री बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए डीएबी हमीरपुर के चेयरमैन आनंद स्वरूप ने सभी को शुभकामनाएं दी।